कि मुख्यमंत्री साहब जिहड़े आप होम मिनिस्टर ने उन्हां कोल समां नहीं, ना समां ना समझ। दूजे सूबे च वोट मंगण जाण, मैनूं उहदे च कोई इतराज नहीं। जाके तुसीं उत्थे भंगड़े पाउंदे हो जदकि इत्थे रोज़ कतल हो रहा है, इत्थे रोज़ किसी ना किसी का पुत गोलियां की भेट चल रहा है, तो तुसीं सुत्ते पए हो। इस गल का मैनूं दुख कि आ टीनू जहाँ भज गया, इन्हां तों की होया जी? जो इत्थों भजदा दिल्ली पुलिस फड़ दी। तुसीं सुत्ते पए हो, पंजाब दे लोक उहदी कीमत चुका रहे ने, की है जायज है? और जे ना सरकार जागी ते जो मेरे कोल खबरां ने इहे जिहे हालात बनाउण नूं फिरदे ने जिहदे नाल बहुत वड्डा नुकसान पंजाब दा होगा, और उहदे लई जिम्मेवार केवल ते केवल भगवंत मान ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब नूं छड्ड के बाहरले सूबियां नूं ज्यादा तवज्जो दे रहे ने, जदकि पंजाब दा गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान कोल है। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ बीबी जगीर कौर अते जथेदार दादूवाल ते भी उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। देखो, मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता कि ये बॉर्डर स्टेट है और नैशनल सिक्योरिटी बॉर्डर स्टेट च बहाल रखनी सरकार की बड़ी वड्डी ते मुढ़ली जिम्मेवारी है। गवांडी मुल्क पाकिस्तान भी इत्थी शरारतां ते रहिंदा, और ये वो सूबा है जिन्हें लंबा समा 20 साल बहुत वड्डा संताप हंडाया, और उहदा रिजल्ट यह निकलिया कि जिथे कई परिवारों के नुकसान होए, इत्थे इकनोमिक इफेक्ट भी उहदा बहुत वड्डा पिया कि इंडस्ट्री भज गई, लोग भज गए, और अखीर च बेरोज़गारी नूं बहुत वड्डा बढ़ावा मिलिया इन्हां कारणों करके। अज भी हालात उहो जिहे पैदा किए जा रहे, और अफसोस नाल कहना पैंदा कि मुख्यमंत्री साहब जिहड़े आप होम मिनिस्टर ने उन्हां कोल समां नहीं, ना समा ना समझ। जाके दूजे सूबियां च वोट मंगण जाण, मैनूं उहदे च कोई इतराज नहीं। जाके तुसीं उत्थे भंगड़े पाउंदे हो जदकि इत्थे रोज़ कतल हो रहा है, इत्थे रोज़ किसी ना किसी का पुत गोलियां की भेट चल रहा है, तो तुसीं सुत्ते पए हो। इस गल का मैनूं दुख है। और जिस तरीके नाल एक नवीं हिंदू सिख रंगत दित्ती जा रही है, इस नूं जिदे नाल मैं समझदा इस भाईचारिक सांझ नूं जो जिस तरीके नाल सट मारी जा रही है, बड़ी खतरनाक है। भाईचारिक सांझ नूं बहाल रखना, आपसी प्यार नूं बहाल रखना, यह साडी सब की जिम्मेवारी है। और मैं बधाई इस गल की बधाई तां कि इस गल का धन्नवादी हाँ लोगों का कि भावें शरारती अंसर आपका काम कर रहे हैं, सरकार सुती पई है, मगर लोग हले तक बचाव कर रहे हैं। मगर लोगों के बचाव मैं समझदा वो तो आपकी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, मगर सरकार क्यों सुती हुई है? अब लॉ एंड ऑर्डर कि कोई आपदे आप महफूज महसूस करता? अज किसी डॉक्टर को चले जाओ, किसी स्कैन वाले को चले जाओ, माड़ा जा भी कोई सहिंदा बंदा हो, पुलिस को रिपोर्ट ही दर्ज करा के राजी नहीं, मगर फरौती दे के राजी है। जिहड़ा मर्जी गैंगस्टर उठता जितों मर्जी, कदे गोल्डी बराड़, कदे लंडा, कदे कुछ कोई मारो, दो दो मजाक बनाया पिया सरकारा। मैं हैरान हाँ कि आ टीनू जहाँ भज गया, इन्हों तो की होया जी? जो इतों भजदा दिल्ली पुलिस फड़ती, और सारा नैक्सिस ये कहिंदे सी ना जेल की सफाई करांगे, नैक्सिस तो दोवें जेलों चो निकल के आया, जां तिहाड़ जेल तो तिहाड़ जेल के प्रबंध सी आप दी सरकार थले, सतिंदर जैन तो आप ते आरोप लग गए, जिहड़ा मंत्री सी कि 2 करोड़ लैंदा सी इक बंदे कोलों उन्हों सारिया फैसिलिटी देने वास्ते, उही हाल पंजाब दीआं जेलां दा बनिया पिया। रोज़ दी रोज़ हर चीज़ की रिकवरी, और टीनू की जिहड़ी फरारी हुई है जदों भज्जिया गोंदवाल जेल तो सारी प्लैनिंग, हाउ इज़ मिनिस्टर नॉट रिस्पोंसिबल? तुसीं सुत्ते पए हो, पंजाब दे लोक उहदी कीमत चुका रहे ने, की है जायज है? और जे ना सरकार जागी तो जो मेरे कोल खबरां ने इहे जिहे हालात बनाउण नूं फिरदे ने जिहदे नाल बहुत वड्डा नुकसान पंजाब दा होगा, और उहदे लई जिम्मेवार केवल ते केवल भगवंत मान ने।
नहीं थोड़े तो सरकार चलती नहीं थोड़े तो लोगों को सिक्योरिटी दी जाती जे सिक्योरिटी नहीं तो फिर तरक्की नहीं फिर प्रोस्पैरिटी नहीं अमन शांति रहूगा तो नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे के लांभे हो जाओ कि 2.5 करोड़ के इश्तहार पंजाब का 600 करोड़ लगाता है फिर पंजाब के हालात की मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब मैं पता लग्या इस तो बाद कि मुख्यमंत्री का कुर्सी पर रह जाना ठीक है चंडीगढ़ से जाके चंडीगढ़ पुलिस की सिफत करती इतों तक कहता कि ये तो पैसे भी नहीं लेंदे ये मंत्री तो संतरी का फर्क नहीं रखते तो मतलब कि थोड़ी पुलिस पैसे खा रही है जिहड़ी लोग कहिंदे लाती मोहर उस गलते जे मंत्री तो संतरी का फर्क रखते तो गल का सानू पता तो फिर तुम कुर्सी पर किवें बह सकते तुम होम मिनिस्टर अपनी कारगुजारी आप ही दसता मुख्यमंत्री साहब ने कि साड़ी फेल है असी निलायक है तो फिर भाई तुसी कुर्सी ते किवें बैठे हो चौथा सम करूगा तुसी करोगे सुभाविक है धालीवाल साहब नूं तां झंडी मिली होर उन्होंने की कहना ते पिछलियां सरकारां दी गल करदे हो तो आप पिछलियां सरकारां च भाईवाल रहे है तो पुराने कांग्रेस ही ना उन्हां दी सरकार ही सी ये मैं हैरान हो जाना जिहड़ा आप वाला उठदा जणा खणा कोई कहिंदा जी पुरानी सरकार भाई पुरानी कोई भाजपा चो गया कोई कांग्रेस चो गया कोई अकाली दल चो गया तुसीं भी नाल ही सौ इसलिए ये हर गल नूं पुरानी सरकार नूं कह के आप सुरखरू हो जाना ये नहीं है पुरानी सरकारां च नुकसी लोगों ने फतवा देता उन्हां नूं बदलता थोनू 8 महीने हो गए 8 महीने से तुसी की कीता ना थोड़े तो अज पंजाब 3 लाख करोड़ का कर्जा खड़ा हो गया तुसी आउंदे सार किन्ना कर्जा होर ले लिया कर्जा ले जाने हो मगर इश्तहार 2 करोड़ का डेली दिने वह भी जाके दिने गुजरात हिमाचल अड्ड अड थावां दे देश दे उत्थे की फायदा पंजाब के खजाने नूं लटा रहे हो फिर तुसी कहने हो असीं हैं आम आदमी मगर चढ़ना ही 2 करोड़ की गड्डी च हैं असी आम आदमी मगर जहाज असी लैना हुण हैं असी आम आदमी मगर रखनी अही 2-2 हज़ार सिक्योरिटी च बंदा हैं असी आम आदमी मगर साडी सारे टब्बर नूं सिक्योरिटी Z+ चाहीदी है केजरीवाल साहब ते 100 बंदा लाया होया पंजाब दे खजाने च क्यों और जो हालात ने वेखो किसी नूं कहिंदे प्रोटेक्शन उहनूं दिंदे जिहनूं इह आप इंटैलीजेंस कहिंदी कि इहनूं खतरा तो सवेरे तो आके उन्हें कोई गड्डी चाड़ जाता फिर यदि कमी पेशी लिए कौन जिम्मेवार और मैं बार बार कह रहा जी यदा जिहड़ा वड्डा इंपैक्ट है ना वो इंडस्ट्री ते बेरोजगारी ते ये कहिंदे असीं बाहरों बंदे लिया जिन्हें इत्थे नहीं कोई टिक रहा इत्थों हालात ये बन गए कि लोकल जिहड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इनवैसट करके राजी नहीं सब ने आपकी इनवैसटमेंट रोक ली IGPC के चोणां दे विच IGPC ने हुण दस्सिया कि जिहड़ियां 42 वोटां बीबी जगीर कौर नूं पईआं ने वो सारियां सारियां कांग्रेस BJP अते आम आदमी पार्टी ने देखो बीबी जी होरां नूं वधाई आ मगर बीबी जी नूं मैं हुण इक बेनती जरूर करूँगा कि तुसीं इक गल दा स्पष्टीकरण जरूर दे दिओ देखो 3 मैंबर रायपुर साहब की तो फोटो आई ना उन्होंने बैठिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जलंधरों की सी रायपुर साहब केड़ी पार्टी च ने कांग्रेस च एक काका लोहगढ़ जी ने जेड़े कांग्रेस की टिकट च MLA बनते धर्मकोट हल्के तो वह भी बीबी जी की मदद से खलोते सी एक बीबी जसपाल कौर जी ने महाराज तो वह भी कांग्रेस नाल अजकल सहमति रखते हैं जो मेरे को खबर है 3 कांग्रेस के मैंबर ने उन्होंने वोट दी है भाजपा के 2-3 मैंबर ने चाहे वह जीरा साहब के घर के ने चाहे एक जल्ला साहब ने एक होर ने उन्होंने दी है हुण मैं बीबी जी ने पूछना चाहना कांग्रेस की तुसी मदद ले ली एक हद पंजा फड़ लिया एक हद कमल का फुल फड़ लिया तो टाइटलर हुण कांग्रेस ने फिर जिम्मेवारी दिती है वड्डी दिल्ली च ते बीबी जी तुसी 84 दी गल नाल फिर सहमत हो अज कांग्रेस नाल हाथ मिला लिया आपदी प्रधानगी करके वेखो मैनू इस गल तो दुख हुंदा कि कोई पंथ दी गल करे ते जगदीश टाइटलर नूं जिहड़े अहुदे देवे गांधी परिवार नाल उहनां नाल तो तुसी हाथ सांझे कर ले
मगर एक गल ते गुरु साहब की एडी कृपा सच्चे पातशाह की कि गुरु साहब ने इन्हां दे चेहरे नंगे करते पर्दा फाश करता। सारे जिहड़े ओह दादूवाल साहब ने उन्हां दी इक मैं वीडियो तुहानू हुणे विखाउणा, आ मेरा मुंडा इत्थे होणा, ओह लिया मेरे फोन ते आ। लौंगोवाल साहब की इलैक्शन सी, आ मैनू लगदा 18 दा बयान है, ਉਹ ਤਾਈਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਟੀ ਪੰਥਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, 15 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਥਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 42 ਵੋਟਾਂ, 22-24 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਈਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ 42 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ 5-7 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੰਥ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ 105 ਵੋਟਾਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਪਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋਗੇ? 14 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਤਨ ਧੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਦੇ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ, ਮਗਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ? ਮਜੀਠਾ ਜੀ, ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਹਾਈ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਲਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਫੈਕਟ ਕੀ ਆ, 2012 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ?
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक नंबर का जेड़े वकील है देश का उन्होंने करके वह केस नू लड़ रही है। इसलिए विरोधी की कहिंदे मेरा भी नहीं कहिंदे उत्ते बाल ही ना जाओ, मेरी बेनती सुन लियो। मैं कल भी ये गल कीती सी, देखो इन्हां गल्लां तो पंजाबी आपदे आप नू महसूस करता है कि यार साडे लई दोहरे मापदंड, साडे लई वक्खरे मापदंड। जे बिलकिस बानो गुजरात च जिहदे रेप होया यार, जिहदा रेप होया, जिहदी छोटे बच्चे नू मारता गया, 14 बंदे उहदे च जिन्हां नू सज़ा मिली, उम्र कैद मिली, जिन्हां नू रिगरस इंप्रिजमेंट सख्त सज़ा दे आदेश होए, उन्हां नू तां रिहा करता गया जी 14 साल बाद। जे राजीव गांधी दे जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर दे असैसिनेशन च सी, जे उन्हां नू रिहा किया जा सकता है, फिर मतलब कि जिहड़ा तमिलनाडु च कोई रहिंदा है उहदे लई कानून वक्खरा, जिहड़ा गुजरात का वसनीक है उहदे लई तां बहुत ही वक्खरा, ते जिहड़ा पंजाबी है भाई बलवंत सिंह राजूवाला साहब वर्गे जिन्हां ने 28 साल पूरे कर ले आ, एक भी उस इंसीडेंट तो बाद कोई माड़ा कंडक्ट नहीं, गुड कंडक्ट च जेल च रहे है, फिर भाई उन्होंने परोल तक ना मिले, एक दिन बाहर नहीं आ सकते हो, आपदे परिवार के किसी सुख दुख च शामिल नहीं हो सकते, ना उन्होंने तुसी बाहर कढ़ो, ना उन्होंने जिहड़ी सज़ा 28 साल की है उसनू देखदे उन्होंने रिहा करो, तो ना उन्होंने परोल दो, तो फिर की है दोहरे मापदंड नहीं कि पंजाबी फिर महसूस नहीं करूँ कि यार भाई साढ़े लिए कानून वखरा, उन्हों की जमानत आँदी है तो सारी सरकार उत्ते जाके विरोध से खड़ी हो जाती है। इन गल्लां का दुख है, इसलिए मैं अज भी अपील करदा प्राइम मिनिस्टर साहब नूं कि तुसी श्री करतारपुर साहब के लांघे के मौके इत्थे आके क्या सीगा कि जिन्होंने आपकी सज़ा पूरी कर ली है, सज़ा पूरी का मतलब की, क्योंकि कोई कानून ही नहीं 28 साल की सज़ा, ये मनुखी अधिकारों का घाण। तो मैं बेनती करदा कि जो आपका थोड़ा वायदा उन्हें पूरा करो, बंदी सिंघां की रिहाई होवे और उन्होंने भी एक आम नागरिक का जो हक है उन्होंने भी मिले, वो आपकी रिहाई भी होवे, जिन्हां दी रह गया समा उन्होंने परोल। दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया बटाला विखे एक निजी समागम दे विच पहुंचे सन, जिथे उन्होंने विरोधी पार्टियां नूं निशाने ते लै के अजिही बयानबाजी की सी। D5 चैनल पंजाबी लई बटाला तो जसविंदर बेदी की रिपोर्ट। होएगी किसानों की गल, नवी खेती मशीना, बीजा ते बागा की गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। पूरे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।